हेलो दोस्तों, वेलकम बैक न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि फेसबुक अकाउंट को डिलीट कैसे करें, परमानेंटली बंद कैसे करें। जैसे कि आपका फेसबुक पर कोई पुराना अकाउंट हो जिसको आप डिलीट करना चाहते हो, हमेशा के लिए बंद करना चाहते हो, तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हो। आज के इस वीडियो में आपको सबसे आसान तरीका दिखाने वाला हूं। आप सिर्फ एक क्लिक में डायरेक्टली अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर सकते हो, परमानेंटली क्लोज कर सकते हो। कैसे करेंगे, बस छोटा सा प्रोसेस होगा, छोटी सी वीडियो होगी। आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक बार पूरा कंप्लीट देखना और ध्यान समझना। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा देना। अब बात कर लेते हैं प्रोसेस की, तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और सबको लाइव सीख लेते हैं। दोस्तों, मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख सकते हो। अब मेरी बात को ध्यान समझना। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने अपने मोबाइल में फेसबुक एप्लीकेशन ओपन कर लिया है और मैं अपने होम पेज पर आ चुका हूं। मेरे फेसबुक का होम पेज है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको अपनी प्रोफाइल दिखा देता हूं। तो आपको अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है। जैसे मैंने अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कर दिया, अब आप देख सकते हैं ये मेरा फेसबुक अकाउंट है। आकाश कुमार के नाम से मेरे फेसबुक की आईडी है, जिसको मुझे डिलीट करना, परमानेंटली बंद करना। मैं इस आईडी को यूज नहीं करता, मैंने वैसे ही बना ली थी, जिसको मैं डिलीट करूंगा। तो बस वीडियो पूरा कंटिन्यू देखना और ध्यान समझना। मैं आईडी को डिलीट कैसे करूंगा, मैं सब कुछ आपको लाइव दिखा रहा हूं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको यहां से बैक आ जाना है। देख सकते हैं मैं अपने होम पेज पर आ चुका हूं। अब आपको क्या करना है, ऊपर की साइड में आपको थ्री लाइन का ऑप्शन दिखाई देगा, थ्री लाइन आ रही है, सिंपल भी आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप थ्री लाइन पर क्लिक करोगे, अब आपके सामने इंटरफेस आएगा, आप यहाँ मेन्यू में आ रहे हैं, आ जाओगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, सेटिंग्स का आइकन, देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है, सेटिंग का आइकन आपको दिखाई देगा, सिंपल भी आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस आइकन पर क्लिक करोगे, अब आपके सामने इंटरफेस आएगा। तो देखो, वीडियो को पूरा ध्यान समझना, नीचे आपको कहीं पर क्लिक नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, ये वाला सिम और इन अकाउंट सेंटर, ये ऑप्शन आ रहा है, सिंपल भी आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अब आपके सामने इंटरफेस आएगा, आप मेटा के अकाउंट सेंटर में आ जाओगे। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा पर्सनल डिटेल्स का, ये ऑप्शन आ रहा है पर्सनल डिटेल्स, ये ऑप्शन आपके में आएगा, ये आपके यहाँ ऊपर आ सकता है, मेरे में यहाँ पर नीचे आ रहा है, सिंपल भी आपको उसी पर क्लिक करना है पर्सनल डिटेल्स पर, ये ऑप्शन आ रहा है, सिंपल भी आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अब आपके सामने इंटरफेस आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, ये वाला ऑप्शन आ रहा है, सिंपल भी आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, मेरे हर एक स्टेप को ध्यान से देखना और ध्यान समझना और मेरे साथ साथ स्टेप को फॉलो करते रहना है, ठीक है। अब आपके सामने इंटरफेस आएगा, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बीच वाला ऑप्शन दिखाई देगा, ये वाला डीएक्टिवेशन और डिलीशन, ये ऑप्शन आ रहा है, सिंपल भी आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अब आपके सामने इंटरफेस आएगा, देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डीएक्टिवेशन और डिलीशन। आप अपने फेसबुक अकाउंट को डीएक्टिवेट भी कर सकती हो और परमानेंटली डिलीट भी कर सकती हो, ठीक है। हमें क्या करना है वो तो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले आपको इसी पे क्लिक करना है अपने फेसबुक प्रोफाइल पर। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अब आपके सामने इंटरफेस आएगा। देखो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको गलतियां नहीं करनी है। बहुत सारे लोग यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, डिलीट करने जाते हैं लेकिन डीएक्टिवेट करके चले जाते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, डीएक्टिवेट अकाउंट और डिलीट अकाउंट। आपको क्या करना है, अगर आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो तो आपको डिलीट वाला सेलेक्ट करना है, अगर आप डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो आपको डीएक्टिवेट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। हमें क्या करना, परमानेंटली डिलीट करना है, तो सिंपल भी आपको इस पर क्लिक करना सेकंड वाले ऑप्शन पर। मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना, नीचे आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। पर ये आपको ध्यान से सेलेक्ट करना है, गलती से इसको मत कर देना, ठीक है। मैंने इस पर कर दिया, उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करो, अब आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। देखो, अब आपके सामने फेसबुक आपसे पूछा है आप अपना फेसबुक अकाउंट क्यों डिलीट कर रहे हो। आपको यहाँ पर एक रीजन देना पड़ेगा फेसबुक को, तभी आपका अकाउंट डिलीट होगा। तो रीजन आप कोई भी दे सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, इनमें से आप कोई भी दे सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर देता हूँ, आई स्पेंड टू मच टाइम ऑन फेसबुक, यानी मैं अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम बिता देता हूँ फेसबुक पर, अपना ज्यादा टाइम स्पेंड कर देता हूँ, इसलिए मैं अपने अकाउंट को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे कि मैंने फर्स्ट वाले को सेलेक्ट कर दिया, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना, नीचे आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, अब आपके सामने इंटरफेस आएगा, आपका रीजन सेलेक्ट हो चुका है, ठीक। अब आपको क्या करना, सिंपली आप इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। मैंने कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया, अब आपके सामने इंटरफेस आएगा, देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन है परमानेंटली डिलीट अकाउंट। हम अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको क्या करना, आप इसको स्क्रॉल करोगे। जैसे आप इसको स्क्रॉल करोगे तो सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन आया कंटिन्यू करने का। आपको आप इस किसी पर टच मत करना, नहीं तो पूरा पेज बैक हो जाएगा। आपको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, अब आपके सामने डायरेक्टली ऑप्शन आएगा, देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है पासवर्ड, देख सकते हैं आपके फेसबुक प्रोफाइल आ गई, यहाँ पे आ गया पासवर्ड। अगर आप अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, पासवर्ड डालना कंपलसरी है और ये आपको डालना पड़ेगा। विदाउट पासवर्ड के आप अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट नहीं कर सकते, फेसबुक की पॉलिसी है, आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो आपको सिंपली आप अपना पासवर्ड डाल देना है, उसको आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। और अगर आपको पासवर्ड नहीं पता, आप
पासवर्ड को भूल गए हो, पासवर्ड आपको याद नहीं है, तो देखो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके ऊपर मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है कि फेसबुक का पासवर्ड कैसे पता करें, और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला, जाकर उस वीडियो को देखो अभी और फेसबुक का पासवर्ड पता कर लो आसानी से। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपल भी आपको इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपका फेसबुक अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, सर्च में भी नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, आपकी ना पोस्ट दिखाएगी, कोई सर्च करेगा फिर भी आपका अकाउंट शो नहीं होगा, ठीक है। सो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर सकते हो। मैंने आपको हर एक स्टेप ध्यान से दिखाया है, ध्यान से समझाया है, और मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड नहीं डालूंगा क्योंकि मुझे अपना अकाउंट डिलीट नहीं करना। मैं आपको डेमो दिखा रहा था किस प्रकार से आप अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर सकते हो, ठीक है। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।